कोरोना काल में जो लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, उन पर पुलिस कहर बनकर टूट रही है। मामला बरेली से, जहां एक व्यापारी नेता के भतीजे पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप में औषधि निरीक्षक ने धोखाधड़ी और आपदा प्रबंधन जैसी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई। दरअसल व्यापारी नेता सोशल साइट्स के जरिए समाज सेवा का नकली चोला ओढ़कर आम आदमी को फ्री ऑक्सीजन देने की बात कह रहे हैं, जबकि उनका ये भतीजा 40,000 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर बेच रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने की शिकायत जैसे ही DM नीतीश कुमार को मिली, DM ने तत्काल प्रभाव से औषधि निरीक्षक को आरोपी पारस गुप्ता पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रेमनगर थाने में पारस गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज हुई। थाना प्रेमनगर में ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा पारस गुप्ता, जो राजनगर थाना प्रेमनगर के रहने वाले हैं, उनके विरुद्ध 420 IPC व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उप प्रकरण में यह बात जानकारी में आई है कि पारस गुप्ता के द्वारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर का निर्धारित मूल्य है, उससे काफ़ी अत्यधिक, लगभग 40,000 रुपये में सिलेंडर बेचने की बात कही है। इस संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। शिकायतकर्ता ने DM को बताया कि उसने पारस गुप्ता को कॉल करके ऑक्सीजन सिलेंडर मांगा तो उसने उसकी कीमत 40,000 रुपए बताई। कॉल करने वाले युवक ने सिलेंडर महंगा होने की बात कही तो ऑक्सीजन विक्रेता ने इससे कम में सिलेंडर मिलने से इनकार कर दिया। उसने अपना पता राजेंद्र नगर का बताया था, जैसे दुकान का पता पूछा तो फोन काट दिया। पारस गुप्ता पर FIR दर्ज होने के बाद से लोगों का कहना है कि खुद को समाज सेवी दिखाने के लिए जौसा सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है। वो लिख रहा है कि जरूरतमंद की मदद किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए बरेली से दीपक कुमार की रिपोर्ट।